भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष राम किशन सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने नगर निगम स्थित रानी लक्ष्मीबाई पार्क में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस संबंध में भारतीय किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष राम किशन सिंह ने बताया कि हमारी 12 सूत्रीय मांग है, जिसे सरकार द्वारा अविलंब पूरा किया जाए। इस दौरान राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष लाल सिंह, प्रदेश महासचिव उदय प्रताप चौरसिया, दशरथ गुप्ता, इंद्रजीत सिंह, भागीरथी निषाद, धर्मदेव निषाद सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष राम किशन सिंह ने कहा, पोषण पर कार्यक्रम चल रहा है तो कहने से नहीं काम चलेगा, करना पड़ेगा। गर्भवती महिला के देख रेख में आशा बहन और आंगनबाड़ी से यही कहना बात, तनखा दे अलग से मिलता सरकार के कितना मंडल अध्यक्ष गोरखपुर भारतीय किसान यूनियन राम किशन सिंह। भारतीय किसान यूनियन जनपद इकाई गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बिजली की बेहताशा मूल्य वृद्धि 12%, इन गरीब किसानों की बिजली मूल्य वृद्धि, अगर ये अपना मूल्य वृद्धि वापस नहीं लेंगे तो भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश अपनी जो है मांगों को लेकर के गोरखपुर से लेकर के लखनऊ की सदन तक पैदल पद यात्रा करेगी। दूसरा, भारत सरकार ने किसानों के लिए किसान पेंशन योजना बनाई है। इस किसान पेंशन योजना में किसानों की आयु 18 से 40 साल बनाया गया है, जबकि 18 से 45 साल तक इस देश का युवा रोजगार की तलाश करता है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से ये मांग करता हूँ कि देश के अंदर किसान 45 से लेकर के 60-65 साल तक खेती का कार्य करता है, किसान पेंशन योजना का आप लाभ यदि देना चाहते हैं तो किसानों की आयु 45 से लेकर के 65 और 70 साल तक करें, क्योंकि जब किसान अपना क्रेडिट कार्ड लेता है तो उस केसीसी पे पायस पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कटता है, और भारत सरकार इस बात को भली भांति जानती है। निवेदन कर रहा हूँ कि जिस तरह से आप 70 साल तक किसानों को केसीसी पर बीमा करते हैं, उसी तरह से किसानों का बीमा 70 साल तक होना चाहिए।